माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले एक दशक में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 6100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 4 एयरपोर्ट परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। वाराणसी हवाई अड्डे का 2870 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 75,000 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल का निर्माण एवं रनवे का विस्तार किया जाएगा। नया टर्मिनल प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। आगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव का विकास 579 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिससे ये हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 30 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा। बिहार के दरभंगा में एक नए सिविल एनक्लेव का विकास 912 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। 51,800 वर्ग मीटर का नया टर्मिनल भवन वार्षिक 43 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में नए सिविल एनक्लेव एवं अन्य सुविधाओं का विकास 1,550 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। 70,400 वर्ग मीटर वाला नया टर्मिनल वार्षिक 1 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकेगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उत्तर प्रदेश के सरसावा, मध्य प्रदेश के रीवा एवं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर हवाई अड्डों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरसावा में 55 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया गया है। नया टर्मिनल प्रतिवर्ष 2 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में 91 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 2.5 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 80 करोड़ रुपए की लागत से नए हवाई अड्डे का विकास किया गया है, जो वार्षिक 5 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। इन 7 परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात इन हवाई अड्डों की कुल वार्षिक क्षमता लगभग 2.5 करोड़ हो जाएगी। इससे संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।